हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्री शक्ति टेक्निकल पॉइंट में आपका स्वागत है। कैसे हैं? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम इस तरह का एम्पलीफायर बनाना सीखेंगे, इसको रिपेयर करना आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। चलिए, इसको हम क्या करते हैं, इसमें जब इसको चालू कर रहे हैं तो चालू नहीं हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए, इसको हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, ये सप्लाई नहीं दे रहा है। इस तरह से इसको सप्लाई बोर्ड में लगा दिए हैं एसी में। उसके बाद यहाँ पर इसको चेक कर रहे हैं तो ये चलता नहीं है। और दूसरी बात, इसमें कस्टमर का कहना है कि इसमें करंट भी आ रहा है। तो इसको पहले यहाँ पर टेस्टर से इसके बॉडी में इस तरह से लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि सप्लाई करंट आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर अभी करंट नहीं आ रहा है। इसको यहाँ पर पहले से खोल लिए हैं समय बचाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर इसके स्विच को यहाँ पर ऑन, यहाँ पर देखिए ऑन कर दिए हैं, उसके बाद ये चालू नहीं हो रहा है। चलिए स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इसके टेस्टर से लगा के देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको टेस्टर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अंधेरा कर रहे हैं तो यहाँ पर अर्थ आ रहा है, मतलब करंट भी आ रहा है। देखिए तो हो सकता है इसके जो ट्रांसफार्मर है ये जब शॉर्ट हो जाता है, ज़्यादा हीट हो जाता है तो ये जल जाता है, जिससे पूरा करंट आता है बॉडी में। चलिए इसको यहाँ पर सप्लाई को यहाँ पर इसको प्लग को निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसके जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, ट्रांसफार्मर के वायर को यहाँ पर देखेंगे। ये जो हमारा स्विच है तो स्विच भी कभी कभी ख़राब हो जाता है तो भी ये चालू नहीं होता, लेकिन ये ट्रांसफार्मर में करंट दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका ट्रांसफार्मर जला हुआ है। देखिए ज़्यादा हीट होने की वजह से इसके अंदर का जो कॉइल होता है वो शॉर्ट हो गया, शॉर्ट होने से बॉडी से भी टच हो रहा है जिससे करंट आ रहा है। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब है, इसको अभी चेक करके दिखाएंगे कैसे ख़राब होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर 4440 का बोर्ड लगा हुआ है, इसी में से कनेक्ट हुआ ट्रांसफार्मर इसका दो वायर, इसको भी यहाँ पर खोलना पड़ेगा। तो इसको इस तरह से खोल लिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर का वायर हमारा आया है, देखिए ये दो वायर हमारा नीला, ये हमारे जो डायोड लगे हुए हैं 54 वाट का, इसी से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इससे फिल्टर होके एक कंडेंसर पे जाता है, 12 वोल्ट सप्लाई देता है जिससे हमारा सिस्टम चलता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब है कि अच्छा है। तो मल्टीमीटर को लेंगे और उसको बजर रेंज पे लगा लेंगे। उसके बाद इस तरह से इसको यहाँ पर दोनों वायर पर इस तरह से लगाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर कुछ वैल्यू दे रहा है, यहाँ पर वैल्यू दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर भी इसको चेक करना होगा मेन वायर को यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको मेन वायर को निकाल लेना है। तो चलिए इसके मेन वायर को हम यहाँ पर निकाल लिए हैं। उसके बाद इसके ट्रांसफार्मर को यहाँ पर चेक करेंगे। देखिए हमारा ट्रांसफार्मर का वायर है मेन, इसको यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर इसका ट्रांसफार्मर को बजर रेंज पे करके चेक करना, इस तरह से दोनों वायर को यहाँ पर प्रोब को लगा के इसको चेक करना। यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं बता रहा है, वैल्यू देना चाहिए तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दे रहा, मतलब ये हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब हो चुका है। और इधर से चेक करने पर वैल्यू दे रहा है, देखिए इधर वैल्यू दे रहा है, इधर नहीं दे रहा है। तो इधर आपको वैल्यू देना चाहिए तो समझिए एक सही है, इधर आपका जो है बजर रेंज देता है अगर सही रहता है। तो यहाँ पर वैल्यू दे रहा है, यहाँ पर वैल्यू भी नहीं दे रहा है। ये ट्रांसफार्मर देखने में भी यहाँ पर शॉर्टिंग हो चुका है, काला हो चुका है। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर खराब है, नया वाला चेक करेंगे आपको दिखाएंगे। देखिए 012 का ट्रांसफार्मर है 2 एम्पियर का, ये भी 012 का 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। तो इस तरह से मार्केट में आपको 130-140 पे मिल जाएगा, आपको ले लेना है, घर पे लगा लेना है जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसमें दो वायर इधर है, दो वायर इधर है। तो इसके मेन वायर को चेक करने का तरीका बता रहे हैं कि ये सही है कि गलत ख़राब है। इसके दोनों प्रोब यहाँ पर लगाने पर यहाँ पर देखिए वैल्यू दे रहा है, ए वाला जो हमारा सही है। यहाँ पर इसका जो ट्रांसफार्मर सही वाला है, इसका जो इन वाला सप्लाई है एसी इन, और ये डी सप्लाई डीसी यहाँ से देता है 12 वोल्ट। तो इसको भी हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बजर का रेंज दे रहा है, इसका मतलब ये हमारा इस तरफ का वायर जो ट्रांसफार्मर सही रहता है तो इस तरह से बजर का रेंज देता है। और जो मेन वाला वायर है यहाँ पर वैल्यू देता है, देखिए इसको मेन पे
लगा के कंटिन्यू भी चेक करें, यहाँ पर वैल्यू 174 दे रहा है। मतलब ये हमारा नया वाला ट्रांसफार्मर जो है चेक करके बताए हैं, इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं। और ये हमारा जो खराब वाला है इसमें यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। और इसको चाहेंगे तो आप सीरीज से भी चेक कर सकते हैं, यानी आप मल्टीमीटर से चेक कर लीजिए। तो चलिए हमारा खराब वाला ट्रांसफार्मर को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से पुराना वाला हमारा ट्रांसफार्मर अब निकलने वाला है, इसको सारे स्क्रू खोल दिया गया है। देखिए हमारा पुराना जो जला हुआ ट्रांसफार्मर है इसको निकाल लिए हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखने पर ये हमारा जो इसका जो स्टिकर लगा हुआ है गला हुआ है, जला हुआ है। देखिए इस तरह से ज़्यादा शॉर्टिंग हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत करंट भी आते हैं बॉडी में। तो इसको हम निकाल लिए हैं। अभी हमारा नया वाला यहाँ पर देख लीजिए, नया वाला जो है अब इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। 012 का 2 एम्पियर ट्रांसफार्मर है, ये अल्मोनियम में है, आप चाहेंगे तो कॉपर में भी लगा सकते हैं। तो इसको यहाँ पर इस तरीके से जैसे निकाले थे वैसे यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लेना है। इस तरीके से आप घर पर एम्पलीफायर को रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। इसमें देखिए ट्रांसफार्मर भी कभी कभी ख़राब होते हैं वोल्टेज ज़्यादा आने से, तो उसको भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद आईसी भी, इसमें आवाज़ कभी कभी नहीं आते हैं, जल जाते हैं, तो आईसी भी लगाना आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों ये ट्रांसफार्मर को अच्छे से यहाँ पर फिट कर दिए गए। इसके बाद यहाँ पर इसके मेन वायर 2 है और ये हमारा डीसी वाला 12 वोल्ट जो इसमें सप्लाई देगा। ये सप्लाई यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा डायोड लगा हुआ है 54 वाट, यहाँ पर जो सफ़ेद पट्टी है ये प्लस है, जो यहाँ ये वाला माइनस है। लेकिन इसमें दोनों यहाँ पर दोनों वायर को यहाँ पर हमको जोड़ना है। यहाँ पर देखिए सिंबल बना हुआ है, तो इसको पहले इसको हम लगा लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, आप घर पर इसको रिपेयर कर सकते हैं एम्पलीफायर को। अभी हमारा डायोड जो है कन्वर्ट करके 12 वोल्ट, ये हमारा डायोड कन्वर्ट करके 12 वोल्ट सप्लाई देगा। तो यहाँ से सप्लाई सीधे हमारे ये कंडेंसर पे आता है और ये फिल्टर करके सप्लाई यहाँ पर देता है। तो देखिए ये हमारा जो प्लेट यहाँ है, देखिए 44-40 का 2 सप्लाई यहाँ पर आईसी लगा हुआ है। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक काला हुआ है, इसका मतलब ये हमारा आईसी यहाँ पर शॉर्ट हुआ होगा तभी ये काला हुआ है। और एक आईसी हमारा देखिए फ्रेश है। और इसमें देखिए ऑडियो का सेक्शन है, ये देखिए हमारा जो ऊपर का ये 3 वायर है, एक सफ़ेद, एक नीला, एक हरा, ये हमारा जो है आवाज़ जो हमारा ऑडियो वाला है आवाज़ यहाँ पर इसे कम बेसी किया जाता है। ये वाला हमारा वायर सीधे ये हमारा जो वॉल्यूम है उस पर गया है। उसके बाद देखिए बास और ट्रेबल वाला यहाँ पर वायर है, देखिए 6-6 पिन, 3-3 पिन का वायर यहाँ पर जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर हमारा जो है नीचे वाला ये भी जो है बॉस है, ये ट्रेबल है, और ये वॉल्यूम वाला जो आवाज़ हमारा कम बेसी करता है। देखिए 6 वायर है तो 2 वॉल्यूम लगा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं 2 वॉल्यूम हमारा लगा हुआ है 2 आईसी के लिए। और यहाँ पर देखिए बास का है, 2 ट्रेबल का है। तो इसका सप्लाई यहाँ पर कनेक्शन किया गया है, आप देख सकते हैं इसको आसानी से आप कोई भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ए वाला वायर है, ये देखिए साउंड का गया है, 2 स्पीकर का यहाँ पर देख सकते हैं, एक आईसी से यहाँ पर कन्वर्ट है, एक आईसी यहाँ से। तो हमको लगता है ये वाला आईसी शॉर्ट होगी, तो आईसी को आप निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। चलिए इस वैसे भी देखने में लग रहा है कि हमारा आईसी जल चुका है, क्योंकि यहाँ पर इसको इस तरीके से जब कर रहे हैं तो इसका जो यहाँ पर पिन दिया हुआ है ध्यान से देखने पे आपको दिखाई देगा, तो यहाँ पर ये पिन इसका जो लगा हुआ है जल चुका है। तो इसको हम कस्टमर से पूछ लेंगे, अगर वो नया लगाने के लिए कहेंगे तो हम ये वाला आईसी जो हमारा ख़राब है इसको हम नया लगा सकते हैं। तो चलिए हमारा आईसी सही है। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है, और देखिए यहाँ पर जो पैनल पे यहाँ पर 5 वोल्ट का सप्लाई देता है, तो ये हमारा 5 वोल्ट का सप्लाई यहाँ पर 78.05 लगा हुआ है। यहाँ से देखिए हमारा 5 वोल्ट का सप्लाई निकलता है, पैनल पे जाता है, देखिए यहाँ पर ये हमारा पैनल पे यहाँ पर 5 वोल्ट का सप्लाई जाता है। अगर आपका यहाँ पर जो इसका डिस्प्ले है अगर नहीं आ रहा है तो 5 वोल्ट वाला सप्लाई यहाँ पर जो है इसको चेक कर लेना है,
जो 7805 लगा हुआ है, अगर ये ख़राब रहता है तो यहाँ पर सप्लाई नहीं देता है। अभी इसको हम चेक करके दिखाएंगे सप्लाई दे रहा है कि नहीं। पहले यहाँ पर कनेक्शन कर देते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर का दो वायर हमारा, ये जो इसके जो ब्रिज रेक्टिफायर बने हुए हैं, यहाँ पर 5408 का टायर लगा है, यहाँ पर इसको दोनों वायर को यहाँ पर जोड़ देना है। उसके बाद ये हमारा दोनों मेन है। मेन के लिए हमारा जो प्लग का वायर है, एक वायर हमारा इसमें चला जाएगा और एक वायर हमारा जो है स्विच यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर जोड़ देना है। तो दोस्तों यहाँ पर अच्छे से इसको टेपिंग कर लेना है। एक वायर यहाँ पर हमारा मेन यहाँ पर गया स्विच पे, एक वायर हमारा इस पे गया ट्रांसफार्मर पे। चलिए अब इसको यहाँ पर चेक करते हैं, इसको सप्लाई देते हैं। सबसे पहले सीरीज में इसको यहाँ पर सप्लाई देते हैं, उसके बाद देखते हैं। यहाँ पर सप्लाई दे दिए हैं, उसके बाद यहाँ पर चेक कर रहे हैं तो हमारा डिस्प्ले ऑन हो गया। हल्का हल्का ब्लिंकिंग जो आ रहा है कैमरे की वजह से हो रहा है। तो ये हमारा जो बन के एम्पलीफायर तैयार हो गया, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो इसमें दिक्कत जो हुआ है, हो सकता है इसका जो आईसी हमारा शॉर्टिंग हुआ है, इसके वजह से भी ये दिक्कत हो सकता है। इसमें असर जाता है ट्रांसफार्मर पे, और घर में अगर वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं, हाई वोल्टेज भी आ जाते हैं, जिससे हीट होके ख़राब हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर इसका जो आईसी है, एक यहाँ पर जो यहाँ पर शॉर्टिंग है, यहाँ पर देख सकते हैं काला हुआ है, तो इसका कनेक्शन हम इसको हटा देते हैं, नहीं तो ये हमारा हीट हो रहा है। तो कनेक्शन हटाने के लिए पहले यहाँ पर इसको बंद कर लेंगे, इसको पावर निकालेंगे। उसके बाद इसके जो यहाँ पर जो इसके लेग है, इसको लेग को यहाँ पर कनेक्शन को हटा देना है, जिससे हमारा ये शॉर्टिंग नहीं होगा। क्योंकि एक आईसी हमारा शॉर्ट होने की वजह से दूसरा भी आईसी खराब हो सकता है, और ट्रांसफार्मर भी खराब होने का डर रहता है। तो सबसे पहले इसको यहाँ पर खोल लेते हैं, प्लेट के जो हिस्टिंग है इसको खोल लेना है। देखिए इसको खोल लिए हैं, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो लेग है, यहाँ पर देखिए शॉर्टिंग हुआ है, काला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये इसी की वजह से हमारा जो है हीट हो रहा है, प्लेट यहाँ पर हीट ज़्यादा हो रहा है इसी। तो इसको यहाँ पर इसका कनेक्शन हटा देना है। इसका कनेक्शन हटाने के लिए आपको क्या करना है, इसके जो लेग लगे हुए हैं, इसके लेग को यहाँ पर कुछ हटा देना है काट के। जब इसका कनेक्शन हटा देंगे तो शॉर्टिंग नहीं होगा, जिससे आगे जो और दिक्कत नहीं होगा। इसके कनेक्शन को यहाँ पर हटा देना है। अगर आप नया लगाना चाहते हैं तो उसको आप लगा सकते हैं। तो इसको यहाँ पर कनेक्शन हटा दिए हैं, अब इसको यहाँ पर चेक कर रहे हैं, देखते हैं कि यहाँ पर हीट होता कि नहीं। यहाँ पर सप्लाई ऑन, उसके बाद इसको थोड़ा सा चेक करेंगे। देखिए जो हमारा सही है आईसी, ये वाला हीट नहीं हो रहा है, जब चलता है तब हीट होता है, और ये वाला भी हीट कम हो रहा है, क्योंकि इसका कनेक्शन यहाँ पर हटा दिया गया जिससे शॉर्टिंग हो रहे थे, तो ये शॉर्ट हो गया आईसी, इसी वजह से सब हीट हो रहा था। इसका कनेक्शन हटा दिए, अब चलिए इसके यहाँ पर हिस्टिंग लगा देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं चेक करके। तो इसके सारे हिस्टिंग को, पेज को अच्छे से टाइट करके इसी हिस्टिंग को टाइट कर लिया गया है। अब चलिए इसको यहाँ पर सप्लाई देते हैं, उसके बाद चेक करके दिखाते हैं कि यहाँ पर चलता कि नहीं। देखिए यहाँ पर हमारा चालू हो गया, ओके हो गया। अब इसको आपको चेक करके दिखाएंगे। तो हम इस तरह से इसमें मेमोरी लगा लेंगे, यहाँ पर ब्लूटूथ वाला सिस्टम भी है, लगा दिए हैं। उसके बाद डिस्प्ले हमारा यहाँ पर HD लिखने लगा, मतलब हमारा चालू हो गया। चलिए इसमें थोड़ा सा आवाज़ लगा के आपको साउंड लगा के चेक करा देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर साउंड को लगा लेने हैं, ये 8 इंची साउंड चला देता है। तो इसके यहाँ पर दोनों स्पीकर जो हमारा जो आईसी सही वाला हमारा आईसी ए वाला है। तो यहीं से हम इसको डायरेक्ट जोड़ के आपको दिखा देते हैं आवाज़। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका आवाज़ आ रहा है, आपको दिखा दिए हैं। तो इस तरह से आप घर पर रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इसी तरह आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहेगी, आपको सीखने का मौका मिलेगा। देखिए यहाँ खराब वाला इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा, क्योंकि उसका एक आईसी खराब है। तो इसमें ओके है। तो देखिए हमारा जो ऊपर वाला सिस्टम है,
ये हमारा इस साउंड का है और दूसरा वाला साउंड हमारा यहाँ पर लगा हुआ है। इसको यहाँ पर ये हमारा नीचे वाला वॉल्यूम दिया हुआ है तो इसको हम कनेक्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पर इसको वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, देखिए इस तरह से इसका आवाज़ है। तो चैनल पे बने रहिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का अपना ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।